नमस्कार, आदर्श शिक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इससे पूर्व हमने भारत के भूगोल के बारे में जाना था, उसकी आकार स्थिति, उसके भौतिक प्रदेश, उसका अपवाह तंत्र और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हमने अगले पाठों में जाना। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी को समझेंगे। आपने प्राय देखा होगा कि मैदानों में, पहाड़ों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो इसका क्या कारण रहता है, क्यों विविधताएं पाई जाती हैं? तो अपने देश के संदर्भ में जब इस बात को समझते हैं तो अपना देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, तो सामान्य तौर पर वहाँ पर विविधताएँ पाई जाती हैं। तो विश्व के जैव विविधता के क्षेत्र में भारत का 10वां स्थान है और एशिया महाद्वीप में इसका 4था स्थान है। भारत में 45,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, 15,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और 90,000 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये जैव विविधताएं क्यों होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पति क्यों पाई जाती है, अलग वन्य प्राणी क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैव विविधता के क्षेत्र में भारत बहुत ही संपन्न देश है, समृद्ध देश है। यदि विश्व में जैव विविधता की बात की जाए तो विश्व में एक क्षेत्र है मेडागास्कर, प्रशांत महासागर के मध्य में एक द्वीपीय देश है जहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और भारत विश्व के 10वें स्थान में आता है और एशिया महाद्वीप में 4थे स्थान में। तो हम इसकी वनस्पति और इसके वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति को समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। एक ऐसी वनस्पति जो अपने आप उगती है, अपने आप ग्रो करती है, पैदा होती है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यदि उसमें मानवीय हस्तक्षेप हो जाता है तो वह प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगी। जैसे कृषि कार्य करना, हमने बागान लगा दिए, हमने उद्यान बना दिए, तो ये प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएगा। प्राकृतिक वनस्पति को हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। इसको दो भागों में माना जाता है, एक होती है देशज वनस्पति और एक होती है विदेशज वनस्पति। देशज वनस्पति में जैसे हमने कपास को ले लो तो ये भारतीय मूल का पौधा है, कपास भारतीय मूल का पौधा है। और विदेशज में ले लेते हैं जैसे मकई है और कॉफी है, चाय है, ये कैसी वनस्पति है, विदेशज, जो विदेशों से आई है। तो हम इस विविधता के कारणों को पढ़ेंगे कि देश में जैव विविधता क्यों पाई जाती है और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण रहते हैं। तो पहला है धरातल। धरातल में हम भूभाग पढ़ते हैं कि धरातल कैसे प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि अपने देश में यदि भूभाग को देखा जाए तो आप पूर्वोत्तर का क्षेत्र देख लो तो वहां पे आपको उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देता है। पश्चिमी भाग देख लो, मरुस्थल दिखाई देता है। उसका दक्षिणी भाग देख लो, वहां पे प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान पाए जाते हैं। उत्तर जो इस प्रकार से देश में विभिन्नताएं पाई जाती है, तो भूभाग किसी भी जैव विविधता को बहुत हद तक प्रभावित करता है। देखा होगा आपने कि वहां पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कंडीले वन पाए जाते हैं। तो ये विविधताएं धरातल प्रभावित करता है, उसका भूभाग प्रभावित करता है। फिर हम मृदा की बात करते हैं तो मृदा कैसे जैव विविधता को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम मैदानी भागों को देखते हैं तो वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग को देखते हैं बलुई मिट्टी पाई जाती है, और बलुई मिट्टी में वनस्पति भी अलग होती है, वहां के वन्य प्राणी भी अलग होते हैं। तो ये विविधताएं बहुत हद तक धरातल प्रभावित करता है। फिर हम जलवायु को देखते हैं, यानी विविधताओं को प्रभावित करने वाला दूसरा जो प्रमुख कारण है वो जलवायु। जलवायु में 3 बिंदु है, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। तो तापमान कैसे प्रभावित करता है, आपने देखा होगा कि जैसे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो वनस्पति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि गर्मियों की ऋतु में वृक्ष अधिक गति से बढ़ते हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी यही है। जहां पे सूर्य का प्रकाश, यानी जैसे जैसे आप तापमान की स्थिति को देखते हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान में गिरावट होती जाती है। जैसे शीतोष्ण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो
शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हिमरेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वहां शीतोष्ण जो वन वृक्ष है वन है वह घास में परिवर्तित हो जाते हैं, अल्पाइन घास के मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तापमान और सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से प्रभावित करता है। फिर वर्षा, जैसे आपने देखा होगा कि भारत के जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है सबसे अधिक वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है, तो सामान्य तौर पे ये बात है कि यहाँ पे वनों का जो प्रकार है वो सघन पाया जाता है। और आप पश्चिमी भारत में चले जाओ तो वहां पे वर्षा का वितरण भी असमान है, कम वर्षा होती है, इसके कारण वहां पे कंटीले वन वनस्पति पाई जाती है, जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तो ये विविधताएं इस किसी भी देश में जैव विविधता को प्रभावित करती है। तो अपने देश में हम वनस्पति के प्रकार देख लेते हैं, तो पहला है उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन। सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि वर्षा जो होती है इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पे पतझड़ का जो मौसम है वो कभी भी एक सा नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे वनस्पति वो हरी भरी रहती है। यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख जो वृक्ष है वनस्पति है वो आगुनस, महोगनी, रोजवुड, रबर ये पाई जाती है। और इन वनों में जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं उनमें गेंडे हैं, एक सिंगा गेंडा असम में, काजीरंगा अभयारण्य में जो बहुत प्रसिद्ध है, हाथी है, बंदर है, लेमूर है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और भारत के असम है, पश्चिम बंगाल है, और इन दलदली क्षेत्रों में इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को हम दो प्रकार से बांटा जाता है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों को देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये 70 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जो वन है वो पर्णपाती वन, आर्द्र और शुष्क ये दोनों पाए जाते हैं। शुष्क वनों का क्षेत्रफल अधिक है। तो इनमें पाए जाने वाले वृक्ष है बांस है, साल है, शीशम है, चंदन है, और यह 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के गिरिपादों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। फिर हम इस पर्णपाती का एक दूसरा रूप देखते हैं, शुष्क पर्णपाती। हमने जो पढ़ा था वो आर्द्र पर्णपाती था। ये भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठारों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, और इनमें भी सागौन है, पीपल है, नीम के हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या यही है कि इन क्षेत्रों में कृषि बहुत अधिक की जाती है, इसीलिए इन वनों का बहुत हद तक अभी भी ह्रास हो रहा है, इनका विनाशीकरण हो रहा है, इनको काटा जा रहा है, पशु चारण अधिक होता है, कृषि के लिए भूमि को साफ किया जाता है। इसीलिए भारत में जो 2003 के आंकड़ों के अनुसार 21.08% वनों का क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि मानवीय प्रभाव के कारण वन काटे जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वनों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वन नहीं होंगे तो पूरी तरह से पूरे इकोसिस्टम यानी पूरी पारिस्थितिक तंत्र पूरा प्रभावित होगा। फिर हम पढ़ते हैं कंटीले वन और झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय भाग का कंटीले वन और झाड़ियां, आपने देखा होगा कि भारत के पश्चिम वाले भाग में जैसे यहाँ राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र लेते हैं, तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो कंटीले वन पाए जाते हैं, जहाँ पे जो वनस्पति की जो पत्तियां होती है वो बहुत छोटी होती है और कांटेदार होती है। इसमें आपने देखा होगा कि जो है वनस्पति वो अकाशिया है, खजूर है, नागमणि है, इस प्रकार के पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर हम देखते हैं पर्वतीय वन, भारत का पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि हाइट के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार वनों के प्रकार पाए जाते हैं। हम वनों के प्रकार जो पहला है कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 30 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनको शीतोष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। तो इन वनों में जो है आपने देखा होगा कि शंकुधारी वन भी दिखता रहती है। फिर यह 15 से 2000 मीटर में शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन जो वनस्पति है वो घास में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा हिमाचल में बकरवाल है, गुर्जर है, ये जो जातियां वहां पे
अपने पशुओं को लेके जाती है और वहां पे उन घास के मैदानों में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उनमें वहां पे वो चरवाहों के लिए लेके जाती है। तो ये थे वन। और अब एक पढ़ते हैं महत्वपूर्ण है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने जैसे गंगा का और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखा होगा, पश्चिम बंगाल में विभिन्न धाराओं में गंगा और ब्रह्मपुत्र बिखर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अब इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता है और यहाँ पे ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे रॉयल जो बंगाल टाइगर है वो पाया जाता है। ये इन वनों की विशेषता क्या होती है कि इन वनों की जड़ें होती है वो पानी में होती है और एक प्रकार से मजबूत शाखाओं के रूप में ये फैल जाती है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा भागों में गोदावरी कृष्णा में पाई जाती है। इसमें नारियल के पेड़ है, ताड़ के पेड़ है, क्योटा है, ये पाई जाती है। यहाँ पे जो वन्य प्राणी है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, कछुए हैं, मगरमच्छ है और तेंदुए और घड़ियाल पाए जाते हैं। देखो भारत में एक ऐसा देश है भारत जहाँ पे शेर और बाघ, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत में जो शेरों का आश्रय है वो गिर अभयारण्य को माना जाता है। गुजरात में गिर अभयारण्य है उसको शेरों का सबसे बड़ा आश्रय माना जाता है। और भारत में जो बाघ है, जो विभिन्न प्रकार के रिजर्व टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, बंगाल टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन डेल्टा, राजस्थान में भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे यानी ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। एक ऐसा देश है जहाँ पे मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल, वो भारत में ही सिर्फ पाई जाती है। यानी अपने आप में भारत कैसा देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण विविधता वाला देश है, जैव विविधता वाला देश है। इसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 यानी 10वें स्थान पर होती है। तो ये हमने भारत के प्रमुख वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में जाना। इसके बारे में अब और जानेंगे कि वन्य प्राणियों की बहुत सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती है। 90,000 के करीब भारत में वन्य प्राणी जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी यही है कि धीरे धीरे प्रजातियां है वो विलुप्त हो रही है।